हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बाल भारती डिजिटल क्लासरूम और यह है डॉन चैनल। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस और वो भी क्लास 8 की चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो भाई पदार्थ या फिर मटेरियल जो कि मेटल या नॉन मेटल हो सकते हैं, हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए तो इंट्रोडक्शन देख लीजिए। लेवोजीरियर क्लासिफाइड ऑल एलिमेंट्स इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। देखिए, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेवोजीरियर, और इन्होंने एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा है। सबसे पहला ग्रुप है मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा है मेटलॉइड। ठीक, और किस बेसिस पे बांटा है, क्यों अलग अलग बांटा है, इन चीज़ों को बांटा है उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए बेसिकली प्रॉपर्टी होते हैं उनके नेचर, किस तरीके से वो रिएक्ट करती हैं, किस रूप में वो आपको सामने दिखती हैं और कैसे वो कंपाउंड बनाती हैं। तो ये सब है प्रॉपर्टीज़, ठीक, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। सम कॉमनली यूज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आर गिवन बिलो। आप नीचे देख सकते हैं कुछ खास मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, और ये बहुत ही कॉमन है। इनमें देखिए, मेटल में है सबसे पहले आयरन, आयरन माने लोहा, कॉपर, कॉपर आप जानते हैं ना क्या होता है, कॉपर बताइए, तांबा, गोल्ड, मतलब गोल्ड क्या होता है गोल्ड कौन नहीं जानता होगा, है ना, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर सम कॉमनली यूज मेटल्स। ज़्यादातर जितने भी घरों के बर्तन हैं वो आज स्टील से बनते हैं, लेकिन पहले के टाइम में वो एल्युमिनियम से या कॉपर से ही बना करते थे। ठीक, इसी तरीके से जितने भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं, जो भी जितने भी गहने बनते हैं, या तो वो गोल्ड से बनते हैं और या फिर वो सिल्वर से भी बनते हैं, कुछ सिल्वर से बनते हैं और कुछ कॉपर से भी बनते हैं। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है। आगे देखते हैं कि नॉन मेटल्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर कॉमनली यूज्ड नॉन मेटल। कॉमनली यूज्ड नॉन मेटल्स में देखिए, सबसे पहले है हाइड्रोजन जो कि एक गैस है, ठीक, और ऑक्सीजन जो कि गैस है जिसके बगैर हम सब नहीं सर्वाइव कर सकते, नाइट्रोजन जो कि हमारे एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा है, कार्बन, कार्बन अगर कार्बन ना हो तो आप पेंसिल से लिख ही ना पाओ, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक, आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाता है। तो ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं जो बेसिकली हम नॉर्मली यूज़ करते हैं और हम उन्हें कई सारे कामों में इस्तेमाल कर लेते हैं। मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स के बारे में बात करते हैं तो बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड जर्मेनियम आर सम मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड बेसिकली मेटल और नॉन मेटल से डिफरेंट होते हैं। ठीक, हम इस चैप्टर में इन तीनों के बारे में बहुत ही डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर विथ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, मेटल और नॉन मेटल को आप इस तरीके से लिख लीजिए कि मेटल और NM, जैसे मेटल का M लिख दिया है हमने, नॉन मेटल को NM, तो हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिजिकल, फिजिकल का मतलब क्या होता है, देखिए फिजिकल का मतलब होता है दिखने वाली, क्या होता है, सामने दिखने वाली, जैसे कि मेटल कैसे हैं, लिक्विड है क्या कि सॉलिड हैं, नॉन मेटल लिक्विड हैं कि सॉलिड हैं कि गैस हैं, ये है, ये हो गई एक फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी कि क्या वो चमकीले हैं, मेटल्स चमकीले हैं, नॉन मेटल्स चमकीले हैं या नहीं, मेटल्स को थिन शीट में बदला जा सकता है कि नहीं, नॉन मेटल्स को बदला जा सकता है कि नहीं। तो ऐसी कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टियाँ हैं जिससे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में फ़र्क कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और हम क्योंकि मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि ये चीज़, ये एलिमेंट मेटल है और ये नॉन मेटल है। उसके बाद देखिए एक्टिविटी वन, हम यहाँ एक्टिविटी वन देख रहे हैं, टू शो दैट डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब है कि कितने
कठोर हैं, ठीक। तो कितने मेटल्स हैं या कौन कौन से मेटल कितने हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, इसके बारे में हम इस एक्टिविटी में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर्ड, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है इस एक्टिविटी में, ये जानेंगे। अ पीस ऑफ सोडियम मेटल, आपको एक सोडियम मेटल का टुकड़ा चाहिए पड़ेगा, पीस का मतलब टुकड़ा। कैरोसिन, कैरोसिन माने घासलेट, मिट्टी का तेल। अ पेयर ऑफ टोंग, टोंग क्या होता है भाई, चिमटा, आपके घर में है ना चिमटा, जिससे मम्मी रोटी बनाती है वही, उसी को टोंग्स कहते हैं। अ नाइफ, एक छुरी है ना, ऐसे ही होती है बड़ी धारदार छुरी। अब अ पीस ऑफ आयरन मेटल, और एक लोहे का टुकड़ा, ठीक। इसके बाद देख लीजिए, टेक आउट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम बॉटल फिल्ड विद कैरोसिन विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ टॉन्ग। आपको एक सोडियम मेटल, देखिए, टेक आउट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम बॉटल फिल्ड विद कैरोसिन विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ टॉन्ग। देखिए ऐसा है कि हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि सोडियम इतना झगड़ालू है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि उसको हम नॉर्मली खुला नहीं रख सकते। हम सोडियम को हमेशा कैरोसिन में डिप करके रखते हैं, ठीक। ये देखिए, ये क्या है, ये है सोडियम, ठीक। सोडियम SODIUM, जो कि एक मेटल है, और ये सोडियम हमेशा डूबा किस में रहता है, ये है, रहता है हमेशा कैरोसिन में, घासलेट में, ठीक है। क्यों क्यों डूबा रहता है भाई, इसलिए कि जैसे ही आप इस सोडियम के पीस को बाहर निकालोगे, यह हवा के साथ रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, रिएक्ट, और फौरन इसमें लग जाएगी आग, ठीक। तो इस रिएक्शन को रोकने के लिए हमेशा हम कैरोसिन में डिप करके रखते हैं किसको, सोडियम को, ठीक। उसके बाद ट्राई टू कट इट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, आपने सोडियम को बाहर निकाला कैरोसिन से, और उसको आपको क्या करना है, आपको करना है कटिंग, उसको आपको कटिंग करना है किससे, नाइफ से। उसके बाद देखिए, इट विल बी ईजिली कट, आप देखेंगे कि सोडियम आराम से टुकड़ों में कट हो चुका है। सो वी फाइंड दैट सोडियम इज़ वेरी नॉट वेरी हार्ड, हम ये महसूस कर लेंगे इसके बाद कि सोडियम तो भाई आराम से तुरैया और लौकी की तरह कट गया, ठीक। इट इज़ सॉफ्ट, क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है एंड कैन बी ईजिली कट, और आराम से कट सकता है। There are certain other soft metals like potassium and magnesium. तो सबसे पहला नाम है आपका सोडियम का, ये सॉफ्ट होता है। उसके बाद पोटेशियम का, ये भी सॉफ्ट होता है। मैग्नीशियम का, ये भी सॉफ्ट होता है। पोटेशियम के लिए हम Na लिखते हैं, सोडियम के लिए हम Na लिखते हैं, पोटेशियम के लिए हम K लिखते हैं, और मैग्नीशियम के लिए हम Mg लिखते हैं। नाउ विद द सेम नाइफ ट्राई टू कट अ पीस ऑफ आयरन, भाई अभी हमने देखिए इस पीस को, जो कि किसका पीस था, जो कि सोडियम का पीस था, हमने कट कर लिया। लेकिन अगर इतना ही बड़ा आप एक आयरन का पीस ले लें और उसे कट करने की कोशिश करें, नाइफ से कट करें, चलें करें, तो क्या हो जाएगा, कट नहीं, बिल्कुल नहीं। Why? Because iron is very strong, very hard metal, and sodium it is very soft metal. Okay? तो ये फ़र्क है कि metal होने के बावजूद भी इनकी hardness में फ़र्क है, ठीक है। तो आगे conclusion देख लेते हैं। We can conclude that the metals are in general very hard, but their hardness differ from metal to metal. मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन इनकी हार्डनेस मेटल टू मेटल डिफ़र करती है। जैसे कि इंसान देखने में अगर देखा जाए तो दो हाथ ही होते हैं हर इंसान के, दो पैर ही होते हैं, दो आँखें और एक नाक होती है, लेकिन फिर भी इंसान अलग अलग होते हैं, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से मेटल्स जो हैं, पूरी फैमिली है मेटल्स की, लेकिन इनकी हार्डनेस में फ़र्क है, ठीक। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई होगी। अब हम एक्टिविटी 2 के बारे में पढ़ रहे हैं।
इसकी एम क्या है, टू फाइंड आउट मेलिएबल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब हम मेलिएबल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और मेटल्स ही इन्हें शो करते हैं। देखिए प्रोसीजर क्या है, ये हम एक्टिविटी कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। टेक अ पीस ऑफ एलुमिनियम एंड अ पीस ऑफ कार्बन, आपको दो पीस लेने हैं, एक एलुमिनियम के और एक कार्बन के। ए एलुमिनियम को मैंने AL से लिखा है और कार्बन को मैंने C से लिखा है, ठीक है। प्लेस दीज पीसेस ऑन टू ब्लॉक्स ऑफ आयरन एंड बीट दीज ब्लॉक्स विद अ हैमर, आपको लोहे के ब्लॉक के ऊपर दो ब्लॉक ले लीजिए एक ही जैसे, ठीक है। आयरन है तो मैं इसको Fe लिखूंगी, ठीक। इन दोनों को किस किस को, एल्युमिनियम को और कार्बन को, हमने किसके ऊपर रखा है, दो ब्लॉक हमने बनाए। चलिए मैं इसको एक बार और बहुत नीटली टाइप का बना देती हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए बच्चों, आपको समझाना हमारी मेन जिम्मेदारी है, बाकी आपको खुद पढ़ना है, ठीक। देखिए ये हमने एक ब्लॉक लिया है एल्युमिनियम का, इसको मैं AL से लिख रही हूँ, एक लिया है कार्बन का, इनको हमने आयरन ब्लॉक्स के ऊपर Fe के ऊपर रखा हुआ है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हम क्या करेंगे कि बीट दीज ब्लॉक्स विथ हैमर, एक ले लो आप, क्या आप ले लो एक हैमर, हैमर का मतलब क्या होता है, हथौड़ा, और इस तरीके से होता है ना, इसको यहाँ से पकड़ते हैं और इसको ठोको, किसको, एल्युमिनियम को आपको बीट करना है और कार्बन को भी आपको बीट करना है। बीट का मतलब उसके ऊपर हथौड़े चलाने हैं, फिर क्या होगा, देखिए क्या होगा। ऑब्जर्वेशन, वी विल फाइंड दैट ब्लॉक ऑफ एल्युमिनियम फ्लैटन ऑन बीटिंग एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ थिन शीट एंड द फॉइल व्हाइल ब्लैक कार्बन इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। सिमिलरली वी कैन फाइंड दैट आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। देखिए जो एल्युमिनियम हमने यहाँ लिया था पिछले वाले में, ये रहा हमारा एल्युमिनियम, जब हम इसको ब्रेक करेंगे हम ये देखेंगे कि ये पतले पतले शीटों तक में ऐसे 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 दब दब के, पिट पिट के, वज़न पड़ पड़ के पतली शीटों में बन गया है। और कार्बन, कार्बन क्या होगा, कार्बन ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा बहुत छोटे छोटे पीसेस में जब हम इसको क्रश करेंगे, तब मारेंगे तब। ये जो प्रॉपर्टी है जिससे हम किसी भी मेटल को बीट करके शीट्स में बदल सकें, पतली शीट्स में बदल सकें। आपने एल्युमिनियम फॉइल देखा होगा जिसमें आप लंच बॉक्स रख के ले जाते हैं, है ना, लंच के अंदर आप एल्युमिनियम फॉइल रखते हैं लंच बॉक्स के अंदर और उसके अंदर आप खाना रखते हैं ताकि आपका खाना फ्रेश और गर्म रहे। तो ये एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम मेटल से ही बना है, हमने इसको मेलिएबल किया है, मतलब हमने इसको शीट्स में, पतली पतली परतों वाली शीट्स में, पेपर जैसी महीन पतलों पतली शीट्स में चेंज किया है ताकि हम इसका कई सारे तरीकों से यूज़ कर सकें। और उसी जगह पर जो कार्बन ब्लैक है, ठीक, वो ब्रोक हो जाएगा, टूट जाएगा, क्यों, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड दैट आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। देखिए बच्चों यहाँ पर ये गोल्ड की बात आई है, तो गोल्ड की बात से मैं आपको बता दूँ कि गोल्ड इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है, गोल्ड इतना महंगा क्यों होता है। भाई गोल्ड इसीलिए महंगा होता है क्योंकि ये मेलिएबल होता है, मेलिएबल वाली प्रॉपर्टी अभी हमने पीछे पढ़ी, चलिए प्रीवियस चलते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ये वाली जो प्रॉपर्टी MALLEABLE, दिस इज़ मेलिएबल, तो मेलिएबल प्रॉपर्टी की वजह से ही जो गोल्ड है ये एक्सपेंसिव होता है। मेलिएबिलिटी की वजह से आप गोल्ड को किसी भी शेप में डाल सकते हो, आप 10 लेडीज़ देख लो, 10 लेडीज़ के हाथों में जो रिंग्स होंगी अलग अलग शेप की होंगी, कानों में जो झुमकियाँ पहनी होंगी वो भी अलग अलग शेप डिज़ाइन की होंगी, और
हाथों में जो कड़े होंगे वो भी अलग अलग। इसका मतलब गोल्ड को कैसे भी मोल्ड किया जा सकता है और मोल्ड करने के बाद भी उसकी शाइन वैसी की वैसी ही रहती है, इसीलिए गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव होता है। यही सेम बात सिल्वर यानी चांदी के लिए भी होती है। चांदी को भी कई सारे डिज़ाइंस में कन्वर्ट किया जा सकता है और शाइन उसकी हमेशा बरकरार रहती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सिंबल्स की। हम सिंबल्स की बात कर रहे हैं कि हमने किस मेटल को क्या सिंबल दिया है। सिंबल अगर आप समझना चाहें कि क्या है तो ये क्यों इजाद किए गए, पहले हम इस बात पे आते हैं कि हमने सिंबल इजाद क्यों किए, क्यों इनको इन्वेंट किया। भाई हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी तो बोल सकते थे, लेकिन क्या होता है कि जब साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, बार बार ऑक्सीजन जो एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म करते हैं तो हर बार ऑक्सीजन लिखने में टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया ताकि सिंप्लिसिटी से आराम से इजीली बताया जा सके, ओ मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है कि जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम रिएक्शन लिखते हैं, तो रिएक्शन में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना लिखें, हर बार HCl लिख लें सीधा सीधा, तो हमारा काम भी शॉर्ट हो गया और इजीली समझ में भी आ गया, इसीलिए ये सिंबल्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हो गए बनाना, ताकि हम अपने जो काम है हमारा लैब का उसको शॉर्टन कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं। द एलिमेंट्स मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ देयर सिंबल्स इन थ्री वेज। हम तीन तरीकों से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सिंबल दे सकते हैं। सिंबल्स डराइव फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट्स, दे आर रिटन इन कैपिटल लेटर। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, इनके जो सिंबल हैं वो कुछ नहीं इंग्लिश का जिससे भी ये लिखे जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन ओ से लिखा जाता है तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट को ही सिंबल मान लिया गया। ठीक, फर्स्ट अल्फ़ाबेट को ही उसका सिंबल मान लिया गया। ऑक्सीजन को इंग्लिश में लिखा जाता है ओ एक्स वाई जेड ई एन, तो ओ जो है ये है इसका सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल ओ हो गया, हाइड्रोजन का सिंबल एच हो गया और कार्बन का सिंबल सी हो गया, वो भी कैपिटल में। ठीक है, तो ये पहला तरीका है कि कुछ एलिमेंट्स के जो हम इंग्लिश में प्रोनंसिएशन करते हैं उस प्रोनंसिएशन के टर्म्स पे जो पहला वर्ड है उसी को लिखना है आपको एज अ क्या, एज अ सिंबल ऑफ द एलिमेंट। उसके बाद देखिए, सिंबल्स डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट लेटर एंड अदर सिग्निफिकेंट लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एलिमेंट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इतना कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे कैल्शियम के बारे में बात करें तो इंग्लिश का सबसे पहला तो वर्ड आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, अल्फ़ाबेट जो है वो आपको लिखना ही लिखना है। इसके साथ साथ आपको क्या करने का है, आपको इसके साथ कोई एक सिग्निफिकेंट लेटर भी चूज़ करना है। ठीक है, सिग्निफिकेंट लेटर भी इसके साथ आपको चूज़ करना है। अब सिग्निफिकेंट लेटर क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंट लेटर हो सकता है आपका जैसे कि कैल्शियम में सी है और डिमॉन्स्ट्रेट करने में सी ए एल, तो सी ए का ये हो गया कैल्शियम। कोई भी ले सकते हैं, फर्स्ट भी लिख सकते हैं, सेकंड लेटर भी ले सकते हैं, लेकिन कैल्शियम के केस में फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर ही चूज किया गया है। इसी तरीके से जिंक में जेड एन, जेड और एन चूज किया गया है। इसी तरीके से आप कई सारे और एलिमेंट देखेंगे जिनमें फर्स्ट अल्फाबेट और सिग्निफिकेंट सेकेंड या थर्ड या फोर्थ अल्फाबेट चूज किया गया है सिंबल को डिराइव करने के लिए। आगे देखते हैं, सिंबल डिराइव फ्रॉम लैटिन नेम्स ऑफ द एलिमेंट। कुछ तो इंग्लिश के नाम है, ये इंग्लिश वर्ड्स हैं, लिख लीजिए, है ना, और कुछ जो है वो लैटिन के हैं। ठीक, अब लैटिन ही क्यों, और कोई भाषा क्यों नहीं, क्योंकि ये कहा गया है कि पहले जैसे ही एलिमेंट्स की पहचान होनी शुरू हुई, ठीक है, तो उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली लिखी जाने वाली भाषा थी वो लैटिन थी, इसीलिए हमने ज्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो लैटिन के ही लैटिन के वर्ड्स से ही उनका सिंबल बनाया गया है। जैसे कि द कॉपर सी ओ डबल पी ई आर, ये कॉपर है, इसका सिंबल क्या है, सी यू, यू तो कहीं आता नहीं है लेकिन फिर भी सी ओ डबल पी ई आर में सी यू उसका सिंबल है,
भाई क्यों है ऐसा? इसलिए क्योंकि लैटिन नेम ऑफ कॉपर इज क्यूप्रम। क्या नाम है? क्यूप्रम। लैटिन में हम कॉपर को क्यूप्रम कहते हैं, इसीलिए हमने सी यू को सिंबल बनाया है। आगे देखते हैं, द सिंबल ऑफ आयरन इज एफ ई। एफ ई आयरन तो आई से शुरू हो रहा है और आर ओ एन रन भी लग रहा है, तो फिर ये एफ ई सिंबल कहाँ से आ गया? ऐसे आ गया कि लैटिन में आयरन को फेरम कहते हैं, तो फेरम एफ ई जो है ये बन गया आपका सिंबल। ओके चिल्ड्रन,